श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगनललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Thank you.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गिरिवरधारी प्रभु, मेरे पास हिंदी में श्रीमद् भागवतम का कॉपी नहीं है अभी, तो आप पढ़ लीजिए। श्लोक हम शेयर कर सकते हैं मेरे मोबाइल पे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक संख्या 20। समुद्रमुपविस्तीर्णम् पश्यन् सुमहत् सरः महान् मनव इव स्वच्छं प्रसन्न सलिलाशयम्। स समुद्रम, समुद्र के निकट ही कुछ कुछ विस्तीर्णम अत्यंत लंबा चौड़ा, पश्यन उन्होंने देखा, सुमहत अत्यंत विशाल, सरह जलाशय, महत महापुरुष, मनह मन व सदृश, सुअच्छम स्वच्छ कमल,
प्रसन्न प्रसन्न सलिल जल आशयम चरण में आए हुए शब्द अर्थ चलते चलते पंचताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल दिखता था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की संरक्षण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। तात्पर्य समुद्र का अर्थ है समुद्र के निकट। वह जलाशय खाड़ी के समान था क्योंकि समुद्र के निकट ही था। उपशब्द जिसका अर्थ है न्यूनाधिक इस प्रकार से प्रयुक्त होता है यथा उपपति से कुछ कुछ पति अर्थात पति के समान भी सूचित होता है। उप का अर्थ बड़ा छोटा या पास भी होता है। इस सब बातों को देखते हुए प्रचेताओं ने जो जलाशय देखा था वो वास्तव में एक बड़ी खाड़ी या झील सरोवर था किंतु यह जलाशय समुद्र की तरह उद्दाम लहरों से युक्त न होकर अत्यंत शांत था। इसका जल इतना निर्मल था कि मानो किसी महापुरुष का मन हो। ज्ञानी योगी भक्त सभी महापुरुष अथवा शुद्ध भक्त हैं जो महान आत्माएं भी कहलाती है किंतु है अत्यंत दुर्लभ। योगियों तथा ज्ञानियों में अनेक महापुरुष मिलते हैं किंतु ऐसा महापुरुष जो भगवान का शुद्ध भक्त हो और भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो विरला ही होता है। स महात्मा सुदुर्लभ। भक्त का मन सदैव शांत एवं निष्काम होता है क्योंकि वह सदैव अन्याभिलाषिता शून्य होता है अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की दास मित्र पिता माता या प्रेम के प्रेमी के रूप में सेवा नहीं करना चाहता। कृष्ण की निरंतर संगति के कारण भक्त सदैव अत्यंत शांत रहता है। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि उस जलाशय के सारे प्राणी भी अत्यधिक शांत थे क्योंकि भक्त के शिष्य महापुरुष के शरण में रहते हैं वे परम शांत हो जाते हैं और भवसागर की लहरों से विचलित नहीं होते। इस भौतिक संसार को प्रायः अज्ञान सागर कहा जाता है। ऐसे सागर की प्रत्येक वस्तु विचलित होती रहती है। भक्त का मन भी समुद्र या जलाशय के समान है किंतु उसमें उद्वेलन नहीं होता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना। जो भगवान की सेवा में दृढ़ है वे किसी तरह विचलित नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है यस्मिन् सितोन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यदि जीवन में विफलता भी आए तो भी भक्त विचलित नहीं होता। अतः जो भी महापुरुष भक्त की शरण ग्रहण करता है वह शांत हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण का भक्त सदैव शांत रहता है क्योंकि वह निष्काम होता है किंतु योगी कर्मी तथा ज्ञानी अनेक इच्छाओं से पूर्ण होते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्त भगवान के धाम जाना चाहते हैं अतः वे भी इच्छाओं से पूर्ण होते हैं किंतु ऐसी इच्छाओं से उनके मन विक्षुब्ध नहीं होते। यद्यपि भक्त भगवान के धाम जाना चाहते हैं किंतु वह जीवन की सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है। फलतः इस श्लोक में महन मनः शब्द यह आभास देने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जलाशय का पानी उतना ही शांत था जितना कि भक्त का मन। चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं प्रचेतास के बारे में, जो राजा बरीशत के 10 पुत्र हैं और उनके पिता ने उनको कहा विवाह करने के लिए, तो वो आ गए जंगल में तपस्या करने के लिए ताकि उनका हृदय शुद्ध हो, और वहां पर उनका शिव जी से मुलाकात हुआ। तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि किसी का शिव जी से मुलाकात हो जाए, ये असाधारण बात है, दुर्लभ बात है, बड़ी कृपा की बात है कि शिव जी जैसे महान भक्त का किसी को दर्शन हो जाए। जैसे न्यूयॉर्क में हिप्पीज हैं और उनको श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन हुए और संग हुआ, ये असाधारण बात है कि हमें किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो और उनके साथ हमें बड़ी प्रश्न सेवा या प्रश्न पूछने का मौका मिले और उनकी सेवा का मौका मिले। तो विदुर जी मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं कि ये कैसे हो गया कि प्रचेतास जंगल में तपस्या कर रहे हैं और उनको शिव जी का दर्शन कैसे हो गया। तो मैत्रेय जी वो बता रहे हैं इवेंट, वो वाक्य बता रहे हैं कि कैसे हुआ। तो प्रचेतास अपने पिता की आज्ञा के पालन करते हुए तपस्या कर रहे हैं जंगल में, और जंगल में जब वो जा रहे थे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा जलाशय आया, लेक आया या बे आया, समुद्र के बाजू में कभी कभी समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, उसको बे कहते हैं या लेक, बड़ा लेक होता है, बड़ा नदी, नदी तो नहीं कह सकते, तो बड़ा पानी का जलाशय होता है। तो वो लोग पानी के सामने आए और पानी मतलब जीवन, पानी के सामने जाने सबको अच्छा लगता है, कभी कोई पिकनिक भी जाता है तो चाहता है वहां पर नदी हो या पानी का जलाशय हो तो ही वो पिकनिक में मजा आता है, या वाटरफॉल हो या समुद्र हो। और जैसे ही हम पानी को छूते हैं हमारे को हमको अच्छा लगता है, जब गला सूख जाता है तो कितना भी जूस पियो दूध पियो, लेकिन जब तक पानी नहीं पिएंगे वो तृप्ति नहीं मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं भगवद गीता में कि आई एम टेस्ट इन वाटर, पानी का जो स्वाद है वो मैं खुद हूं। मैं जब पढ़ता था स्कूल कॉलेज में, अहमदनगर कॉलेज में, तो हमारी केमिस्ट्री टीचर थी, वो हमको सिखाती थी कि वाटर इज टेस्टलेस, टेस्टलेस कलरलेस ओडरलेस लिक्विड, कि पानी में स्वाद नहीं होता है। लेकिन हमको तो भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि मैं ही पानी का स्वाद हूं, तो क्या फायदा ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सारे भगवद गीता के विरुद्ध बात करते हैं। तो पहले जमाने में नलके नहीं होते थे और पाइप नहीं होते थे, तो लोग नदी के आजू बाजू ही रहते थे या कुएं के आजू बाजू ही रहते थे। इसलिए जो भी सिविलाइजेशन समाज होता था वो नदी के आजू बाजू होता था, पानी के आजू बाजू होता था, पानी को सेंटर में रखकर होता। आज नलके हो गए, पाइप हो गए हैं, तो नदियों को हम दूषित कर रहे हैं कि चलेगा, गटर का पानी नदी में मिला देते हैं, गंगा यमुना का थोड़ा हालत खराब है, तो ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रचेतास लोग आए जलाशय के सामने और देखा वो जलाशय एकदम शांत था,
एकदम शांत। ऐसे समुद्र में हमेशा हलचल होते रहती है, लहरें उठती रहती है, लेकिन उस जलाशय में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एकदम शांत था। अगर किसी जलाशय के अंदर बहुत सारी गंदगी हो तो उसके अंदर बबल्स आते रहते हैं, बुदबुदे आते रहते हैं, क्योंकि वो गंदगी सामान होता है, उसमें हवा फंसी हुई रहती है। तो हवा जब बाहर आती है तो पानी के ऊपर आने के लिए बबल बना के आती है, और बबल ऊपर आता है और फूटता है तो हवा एस्केप हो जाती है, इसके हवा चली जाती है। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं था, एकदम शांत था। तो मैत्रेय ऋषि देखिए कैसे महान आचार्य है कि पानी शांत है, ये बात समझाने के लिए और बताने के लिए कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि पानी ऐसा शांत है जैसा एक महात्मा का मन, एक साधु का हृदय शांत होता है। देखिए पानी शांत है ये बात समझना आसान है, और साधु का हृदय शांत है ये बात समझना आसान नहीं है। जनरली उदाहरण दिया जाता है मुश्किल चीज को आसानी से समझाने के लिए। एक मुश्किल सिद्धांत होता है उसको आसान समझाने के लिए एक साधा उदाहरण दिया जाता है। जैसे हम किसी को कहेंगे कि जो भक्त लोग होते हैं बहुत शांत होते हैं, जैसे पानी शांत होता है, मगर इधर उल्टा है। एक आसान चीज को समझाने के लिए मुश्किल बात बताई गई है कि पानी शांत है जैसे भक्त का हृदय शांत है। ऐसा क्यों? तो हमें मालूम होना चाहिए उस जमाने में एक साधु का हृदय शांत है ये समझने के लिए आसान बात था। मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे हैं और विदुर के लिए ये बात समझना आसान था। जैसे हम किसी बच्चे को कोई मुश्किल बात समझाते हैं तो उसके हिसाब से समझाते हैं, तो विदुर खुद शुद्ध भक्त है और उनका मन शांत है। विदुर को दुर्योधन ने अपमान किया था, फिर भी वो शांत है। वो अपने घर से दूर है, अपने परिवार से दूर है, उनके राज्य में युद्ध चल रहा है, और इधर शांति से मैत्रेय मुनि से कथा सुन रहे हैं। अगर आपके घर में युद्ध चल रहा हो, आपके भाई बंधु युद्ध में है, मर रहे हैं, और आप कहीं और हॉलिडे मना रहे हैं शांति से, तो लोग बोलेंगे पत्थर हो गया। लेकिन इधर विदुर अशांत है, कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है और उनके भाई बंधु मर रहे हैं और ये कथा सुन रहे हैं। तो वो साधारण बात था तभी कि कैसे मन शांत होना चाहिए साधु का मन। आज साधारण बात नहीं है मन को शांत रखना, ओ बहुत बड़ी बात। मन करोड़ों पागल बच्चों की तरह है, चंचल बच्चों की तरह, बहुत मुश्किल से शांत होता है। तो मैत्रेय ऋषि विदुर को ये बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत शांत था पानी, जैसे आपका हृदय शांत रहता है, जैसे साधु का हृदय शांत रहता है, और ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है हृदय को शांत रखना। जब हृदय में इच्छाएं होती है तो हृदय शांत नहीं होता, अशांति का कारण इच्छा होता है, काम होता है, तीव्र इच्छा होता है भोग करने का, तीव्र इच्छा इंद्र तृप्ति करने का। जैसे मैंने कहा कि जलाशय के अंदर अगर कुछ कचरा हो तो बबल्स आते रहते हैं, उसी तरह मन के अंदर, हृदय के अंदर इच्छाएं हो तो बबल्स आते रहते हैं, डिस्टर्बेंस होते रहता है, विचलित होते रहता है। ये सब इच्छा के कारण होता है। जैसे मान लो कोई शांत बच्चा है, पेट भर के खाया है और घर में बैठ के होमवर्क कर रहा है, दोपहर का समय है, धूप है, गर्मी का सीजन है, और रोड से आवाज आता है आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, तो अभी बच्चा शांति से होमवर्क करेगा? नहीं करेगा। उसके मन में इच्छा पैदा हो जाएगा,
कि मुझे आइसक्रीम खाना है, और वो मां को कहेगा मां आइसक्रीम चाहिए। मां कहेगी नहीं, होमवर्क करो, अभी खाना खाया, क्यों आइसक्रीम खाएगा? तो बच्चा अपना पेन पेंसिल नीचे छोड़ देगा, किताबें अपने से दूर कर देगा और रोनी सी सूरत बनाकर जोर से कहेगा मां आइसक्रीम चाहिए। और मां भी थोड़ा गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि मां टीवी देख रही है, डिस्टर्ब हो गई। कहती है जब भी मैं टीवी देखती हूं तू बीच में तकलीफ देता है, मुझे परेशान करता है, शांत बैठ, नहीं मिलेगी आइसक्रीम। फिर बच्चे के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो जोर से बात करता है, घर को अपने सर पे ले लेता है, हाथ पैर पटकता है कि मां मुझे आइसक्रीम चाहिए। और मां भी थोड़ा जोर से बोलती है चुप बैठ, शाम को पिताजी को बोलूंगी, डांटेंगे अच्छी तरीके से, मारेंगे तुझे, रोज परेशान करता है। और बच्चा और जोर से बोलता है कि मां मुझे आइसक्रीम चाहिए। और आखिर में क्या होता है, मां जाकर आइसक्रीम दे देती है उसको, ले, सब उसके आंसू रिवर्स हो जाते हैं। और मां को क्या कहता है, थैंक यू वेरी मच, नहीं, वो मां को कहता है वन मोर, एक और चाहिए। ये इच्छा, तीव्र इच्छा जब होती है तो मन विचलित हो जाता है, और जब मन विचलित हो जाता है तो अपना होमवर्क नहीं करते, अपना ड्यूटीज नहीं करते, अपना जप अपना सेवा नहीं कर पाते, वो इच्छा पूरी करना है, और उसके लिए हाथ पैर मारते हैं, हमारे आजू बाजू के लोगों को हम विचलित कर देते हैं, उनके हृदय को परेशानी कर देते हैं। और अगर इच्छा पूरी हो जाए फिर भी मन शांत नहीं होता, लोभ आ जाता है कि वापिस चाहिए, एक और आइसक्रीम चाहिए, रोज आइसक्रीम चाहिए। तो इच्छा काम के कारण मन विचलित होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में तो पूरा अल्गोरिथम बताते हैं, ध्यायतो तो विषय पुंसान, कि जब विषय वस्तु के संपर्क में आते हैं तो इच्छा प्रकट होती है, भोग करने की इच्छा, काम, आसक्ति आती है, उस वस्तु के प्रति आसक्ति आती है और बुद्धि भ्रमित हो जाती है और मन विचलित हो जाता है, और आखिर में आदमी पाप कर्म करता है और इस तरह नरक में जाता है, कर्म बंधन में फंस जाता है। तो इच्छा के कारण ये होता है, इंद्रिय तृप्ति के वस्तुओं के संपर्क के कारण ये सब होता है। किसी बच्चे को खिलौने के दुकान पे लेके जाओ, कितना विचलित हो जाएगा वो बच्चा। या किसी स्त्री को साड़ी के दुकान पे लेके जाओ या मेकअप के सामान के दुकान पे लेके जाओ, विचलित हो जाएगा। या किसी लड़के को अच्छे अच्छे मोबाइल के दुकान पे लेके जाओ, विचलित हो जाएगा। मन इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं के संपर्क में आकर आसक्ति बना लेता है, विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए दूर रहना चाहिए इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं से, बार बार ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए जहां पर मन विचलित हो जाए। कोई जहां पर सिगरेट लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, जुआ खेलते हैं, गलत काम करते हैं, ऐसे जगहों पर नहीं जाना चाहिए, ऐसे जगहों की तस्वीर भी नहीं देखना चाहिए, या फिल्म भी नहीं देखना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। इस्कॉन में जब किताब छप रहे थे पहले प्रभुपाद जी के समय, तो भक्त लोग पेंटिंग बनाते थे, तो किसी भक्त ने चार नियम तोड़ते हैं ऐसे पेंटिंग्स बनाए या ऐसे फोटो लाए कि किताब में डालना चाहिए, चार नियम के बारे में। प्रभुपाद जी ने मना कर दिया, बोला इसको देखना भी नहीं चाहिए, कोई मांस खा रहा है उसको देख रहे हम, कोई जुआ खेल रहा है, कोई दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, या स्त्री के साथ संबंध बना रहा है गलत तरीके से,
ये सब सुनना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मन आकर्षित हो जाता है। जैसे अजामिल के साथ हुआ, अजामिल आज्ञाकारी बेटा, शुद्ध ब्राह्मण था, उसकी पत्नी बच्चे थे, माता पिता की सेवा करता था, जंगल में फूल लाने गया। जब वापिस आ रहा था तो जंगल में गांव के किनारे उसने देखा एक वेश्या को एक शूद्र का आलिंगन करते हुए, और उसने कपड़े ऐसे पहने थे कि उसका शरीर दिख रहा था। तो अजामिल उसको देखा, उसके मन में काम आ गया, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान था तो उसने अपना काम दबा दिया और अपने घर पे गया। लेकिन उसका मन विचलित हो गया, वो पूरा दिन उस वेश्या के बारे में सोचता था, और आखिर उसके पास गया और उसके साथ संग किया और आसक्ति हो गई, और आसक्ति हो गई तो उसको घर लेके आया और उसका बुद्धि विनाश हो गया, और अपने माता पिता बीवी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और पाप करने लगा। उस वेश्या को खुश करने के लिए चोरी करता था, धोखा देता था, झूठ बोलता था, पैसा लेके आता था, और इस तरह फंस गया। देखिए पूरा श्लोक जो है ध्यायत विषय पुंसन हमारे आंखों के सामने आ जाता है अजामिल की कहानी में। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? इंद्रिय वस्तुओं के संपर्क से। तो ये संपर्क क्यों करना? इन चीजों से, भोग की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। भक्त लोग शांत होने के लिए सादा जीवन जीना चाहिए, सादा आश्रम में रहना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए। इच्छा के कारण, कोई वस्तु के कारण मन अशांत हो जाता है। मान लो आश्रम में कोई सालों से रह रहा है, 10-15 सालों से रह रहा है, और रोज आश्रम का सुबह का प्रसाद का मेनू फिक्स है, रोटी सब्जी दाल राइस, मतलब आइटम फिक्स है, सब्जी अलग अलग होता है, दाल अलग अलग होता है, लेकिन फिक्स है, रोटी सब्जी दाल राइस 20-25 लोग खाते हैं और प्रसाद पाते हैं। और मान लो एक दिन दो सब्जी बन गया, कोई डोनेशन आया, दो सब्जी बन गया, और मान लो बांटने वाले ने जब बांटा तो गलती से एक को भूल गया बांटने के लिए दूसरा सब्जी। तो जो व्यक्ति है उधर, जो भूल गया एक सब्जी, जिसको नहीं प्राप्त हुआ, उसको तो रोज ही नहीं प्राप्त होता है दो सब्जी, एक सब्जी में चलता है, सालों से चल रहा है, लेकिन आज उसका मन विचलित हो जाएगा कि सबको मिला मुझे नहीं मिला, हालांकि जरूरत नहीं था, लेकिन देख के विचलित हो गया कि उसको मिला मुझे नहीं मिला, सबको मिला मुझे नहीं मिला। तो मन ऐसा है हमारा, जरूरत नहीं है फिर भी विचलित हो जाता है, जरूरत नहीं है फिर भी इच्छाओं को प्रकट करता है, और इच्छाएं दबे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि इच्छा नहीं है, इच्छा दबे हुए। जब इंद्रिय विषय वस्तु के संपर्क में आते हैं तो वो इच्छाएं, भोग की इच्छाएं बाहर आ जाती हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्त है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो शुद्ध भक्त है, अन्य अभिलाष और कोई इच्छा नहीं है उसको, भौतिक इच्छा, न ज्ञान की इच्छा है, न कर्म के फल की इच्छा है, न मुक्ति की इच्छा है, न सिद्धि की इच्छा है, न या नाम की इच्छा है, वो बस कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण और सिर्फ कृष्ण और कोई नहीं, तो वो एकदम शांत रहते हैं, काम, क्वाइट, एकदम शांत रहते हैं। उनका जो भी व्यवहार होता है एकदम शांत होता है, शांति से वो सेवा करते हैं, शांति से वो प्रसाद लेते हैं, शांति से वो प्रवचन सुनते हैं या प्रवचन करते हैं या कीर्तन या मीटिंग में हो, कुछ भी हो, एकदम शांत होता है, वो विचलित नहीं होते। समात्मा सुदुर्लभ, ऐसे बहुत रेयर होते हैं। जैसे जब शमिक ऋषि के गले में परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप डाला और चले गए वहां से, और श्रृंगी ऋषि को पता चला, तो श्रृंगी ऋषि बहुत विचलित हो गए,
और क्रोधित हो गए और तुरंत परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक उसको आके मार देगा, काट के मार देगा तक्षक सांप। फिर श्रृंगी ऋषि आश्रम में आए तो शमिक ऋषि का ध्यान खुला, आंखें खुली, अवश्य श्रृंगी ऋषि आकर रोने लगे। तो जब शमिक ऋषि की आंख खुली तो उन्होंने देखा मरा हुआ सांप उनके गले में। उन्होंने अपने हाथ से वो सांप मरा हुआ लेकर फेंक दिया और उसके बारे में कुछ नहीं बोले, एकदम शांत रहे, बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए या बिल्कुल उत्तेजित नहीं हुए या बिल्कुल ऐसा व्यवहार नहीं, किसने डाला ये सांप, कौन किया ये, बुलाओ सीसीटीवी वाले कैमरा को, खोलो इसको, किसने किया ये, पकड़ो उसको, कुछ नहीं, एक साधारण सी बात है, ऐसा सोचकर छोड़ दिया उन्होंने, इंक्वायरी भी नहीं किया, क्योंकि वो भगवान पे ध्यान करते थे तो शांत थे। परीक्षित महाराज को जब पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, वो भी शांत थे, बिल्कुल उन्होंने सोचा नहीं कि जाकर थोड़ा श्रृंगी ऋषि से बात कर लूं, निगोशिएट करूं, या मैं भी एक श्राप दे दूं इसके बदले, या आज ही दुनिया के सब सांपों को मार दूं, या तक्षक को ढूंढ के मार दूं, या एक बड़ा किला बनाऊं उसके अंदर रहूं मैं, तक्षक आ ही नहीं पाए, या अपने अस्त्र शस्त्र और सेना के बीच में रहूं मैं, या अपना सिक्योरिटी सिस्टम बनाऊं, या विदेश भाग जाऊं, कुछ नहीं, एकदम शांत थे। सोचे चलो अच्छा मौका मिला, मैं सब कुछ छोड़कर नदी किनारे बैठकर कृष्ण की कथा सुनकर मुक्ति पा लूंगा, एकदम शांत थे। और जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए, 7 दिन 7 रात ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, तो वो 7 दिन 7 रात इतना इंद्र ने गोवर्धन पर्वत पे आक्रमण किया था कि बड़े बड़े बूंद थे पानी के, वो फेंकते थे और बर्फ फेंकते थे और अग्नि फेंकते थे और वज्र से आक्रमण किया, कितना गोवर्धन पे आक्रमण किया, मगर गोवर्धन शांति से थे। किसी ने पूछा गोवर्धन को कि इतना आपके साथ गलत व्यवहार हुआ, इतना आप पे अस्त्र शस्त्र फेंके गए, बर्फ के और आग के गोले फेंके गए और मिसाइल फेंके गए और वज्र से प्रहार हुआ, आपको तकलीफ नहीं हुआ? तो गोवर्धन ने कहा कि मेरे नीचे एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही सॉफ्ट नरम उंगली थी, श्याम सुंदर कृष्ण की उंगली, उस उंगली के संपर्क से इतना आनंद का अनुभव हो रहा था, इतना आनंद का अनुभव हो रहा था कि ये सब वज्र और वगैरह जो शस्त्र थे उनका दर्द मुझे पता ही नहीं चला। तो एक शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के संपर्क में इतने आनंद में रहते हैं कि बाकी जो उनके साथ हो रहा है आजू बाजू वो उनको विचलित नहीं करता, यही शांत रहने का फॉर्मूला है कि कृष्ण के संपर्क में रहना चाहिए। जैसे एक बच्चा मां के गोदी में रहता है, उस घर में पता नहीं कितने समस्याएं चल रही हैं, कोई बीमार है, किसी का मृत्यु हो गया, नौकरी चला गया, पैसा नहीं है, धूप है, ठंडी है, गर्मी है, लेकिन मां के गोदी में बच्चा खेलता है, हंसता है, हाथ पैर हिलाता है, उसको क्या लेना देना क्या चल रहा है दुनिया में, वो तो खेल रहा है, एकदम शांत है, क्योंकि वो मां पे निर्भर है, मां के शरणागत है। जो अपने दो पैरों पे खड़े हैं उनको तकलीफ है, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, जिनका नौकरी है, दो धंधा है, कितना तकलीफ हुआ लोगों को, मजदूर लोगों को या नौकरी वालों को, ड्राइवर वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, कुकिंग वालों को, लेकिन जो बच्चे थे वो तो एंजॉय किए लॉकडाउन, खूब खेले, स्कूल में नहीं कुछ नहीं,
और ऑनलाइन स्कूल है भी तो ध्यान नहीं दिया तो भी चलता है, क्योंकि वो सिर्फ माता पिता पर निर्भर है। माता पिता टेंशन ले लेंगे, कोरोना वायरस का टेंशन ले लेंगे, लॉकडाउन का टेंशन ले लेंगे, हम तो खेल है ना। उसी तरह हम भक्तों ने भी बहुत एंजॉय किया, रोज इतने सारे क्लास, इतने सारे कीर्तन। आपको पता है जब शुरू शुरू में लॉकडाउन हुआ तो हमारे राधा रस बिहारी मंदिर में 7 बजे से 7:30 बजे तक संध्या आरती होता है। अभी लॉकडाउन हुआ, मंदिर में कोई विजिटर नहीं, बिल्कुल गेट बंद, सिर्फ हमारे भक्त अंदर के। हम लोग 7 से 9:30 बजे तक संध्या आरती करते थे। 2-2.5 घंटा संध्या आरती चल रहा है, भक्त लोग नाच रहे, बंद ही नहीं हो रहा है। वैसे 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, इधर 9 बजे अल्टर बंद हुआ राधा रास बिहारी का, कीर्तन तो बंद ही नहीं हो रहा है, नाचते जा रहे। कितने दिन तक ऐसा हुआ। तो मैं सबको बोलता था कि अभी कुछ महीने राधा रास बिहारी कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स कर रहे हैं, सीक्रेट पास टाइम, पब्लिक नॉट अलाउड, ओनली इंटरनल डिवोटीज, एकदम आनंद में। क्लास हो रहा है, लंबा लंबा क्लास हो रहा है, चर्चा हो रहा है, तो बहुत आनंद में गए उस वो दिन। तो जब हम कृष्ण के संपर्क में हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो मन शांत रहता है। जब हमारे जीवन में स्वार्थ आ जाता है कि मेरे लिए कुछ चाहिए, भले ही वो भक्ति में जुड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए कुछ चाहिए, तो वो अशांत हो जाता है। तो सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत रह रहे हैं जो हमेशा शांत रहते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं उस श्लोक में, देइनो यस्मिन यथा देहे, कि जीवन में परिवर्तन होते रहता, जैसे शरीर का परिवर्तन होता है वैसे और भी परिवर्तन होते रहता है। एक धीर व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, अरे अगर मैं धीर नहीं हूं तो क्या करना चाहिए, शांत नहीं रह सकता तो क्या करना चाहिए। तो अगले श्लोक में मात्र स्पर्शास्तु कौनते, भगवान कहते हैं तामस तितिक्ष्वास भारता, अगर परिवर्तन हो रहा है और आप डिस्टर्ब्ड है तो आप सहन करना चाहिए उस डिस्टर्बेंस को, जैसे ठंडी गर्मी को सहन करते हैं। ठंडी आती है तो सहन करते हैं, गर्मी आती है तो सहन करते हैं, क्या कंप्लेन करते हैं क्या किसी को, ब्रह्मा जी को कंप्लेन करते हैं या इंद्र को कंप्लेन करते हैं कि मौसम क्यों बदल रहे हैं, मौसम विभाग को कंप्लेन करते हैं या गवर्नमेंट को कंप्लेन करते हैं, नहीं सहन करते हैं। बारिश आती है तो छाता खोलते हैं, ठंडी आती है तो स्वेटर पहनते हैं, गर्मी आती है तो पंखा चालू करते हैं, सहन करते हैं। उसी तरह जीवन में कुछ अपमान हो गया, कुछ नुकसान हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ खो गया, शांत रहना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि जो भी हमारे साथ दुख होता है वो किसी व्यक्ति के कारण नहीं होता है, हमारे पिछले कर्मों के कारण, और उसको मिटाने के लिए एक और कर्म नहीं करना चाहिए। उसको मिटाने के लिए एक और कर्म करेंगे तो उस कर्म का फल आएगा और दुख आएगा। प्रहलाद महाराज समझाते हैं 7th कैंटो में कि एक व्यक्ति के जीवन में दुख कब आता है, दुख की शुरुआत कहां से होती है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में दुख तब शुरू होता है जब वो सुख के लिए प्रयत्न शुरू करता है। जैसे ही हमने एक कदम बढ़ाया सुख के लिए, दुख शुरू हो गया। ऐसा है ये दुखालयम अशाश्वतम। तो हमें कृष्ण की सेवा करना है, बाकी सुख दुख सहन करना है। हर एक का अलग अलग कैपेसिटी है सुख दुख सहन करने का, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना तो सहन करना चाहिए। और हमारे सहन शक्ति के बाहर जा रहा है तो फिर मदद मांग सकते हैं, समस्या का हल कर सकते हैं। तो अपने कर्म के कारण जो तकलीफ आ रही है उसको सहन करना चाहिए। मैत्रेय मुनि एक और बात बताते हैं कि वो जो जलाशय था एकदम शांत था, उसके अंदर जो मछली वगैरह थे वो भी शांत थे। क्यों? क्योंकि पानी शांत था।
तो बताते हैं कि जो शांत साधु होते हैं उनके शरण में जो उनके शिष्य होते हैं वो भी शांत होते हैं, क्योंकि उनका बॉस शांत है, उनका गुरु शांत है। जैसे मान लो ऑफिस में किसी ऐसे बॉस के अंडर हम नौकरी कर रहे हैं जो हमेशा गुस्से में रहता है और हमेशा अशांत रहता है, हमेशा जोर से बात करता है, गाई गाई करता है कि अब भी चाहिए, तो हम उनके नौकरी कर रहे हैं तो हम कितने अशांत हो जाएंगे ऑफिस में जाकर। लेकिन वही बात सतोगुण में हो, सात्विक हो और हम उनके अंदर नौकरी कर रहे हैं तो हम भी शांत होंगे। उसी तरह घर में पति पत्नी रहते हैं, उसमें से एक भी अशांत हो तो दूसरा अशांत हो जाता है। पति अगर घर पे आता है ऑफिस से थका हुआ और पत्नी इंतजार कर रही है कब आए तो मैं सास के बारे में बताऊं कि आज क्या हुआ, तो वो आकर अशांत हो जाएगा। या पति आता है बॉस से परेशान होकर और पत्नी घर पे शांत बैठी है और आकर चिल्लाने लगता है, गुस्सा पत्नी के पे निकालता है क्योंकि बॉस पे निकाल नहीं सकता, तो घर अशांत हो जाएगा। तो हमारे आजू बाजू अगर अशांति है तो हमको भी मुश्किल हो जाता है। अगर गुरु शांत है तो शिष्य अपने आप शांत हो जाते हैं, अगर गुरु अशांत है तो शिष्य को भी अशांति होती है। तो अगर हम शांत भक्तों के साथ संग करेंगे तो हमारा शांति रहेगा। शांत भक्तों की शरण में रहना चाहिए, मतलब जो अन्य अभिलाषिता शून्य है, जिनके पास भौतिक इच्छा है उनके शरण में रहेंगे तो वो अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए हमारा इस्तेमाल करेंगे। उसको शोषण कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, कि अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए वो अपने सबॉर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे, और जब उनकी भौतिक इच्छा पूरी नहीं होगी तो वो डांटेंगे और नाखुश हो जाएंगे, और अगर उनकी भौतिक इच्छा पूरी हो गई तो हमने जो सेवा किया वो नाखुश हो जाएगा कि कृष्ण की सेवा करने के बजाय इनके स्वार्थ का सेवा हो गया। दोनों तरफ से नुकसान है, इसलिए अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए, शांत भक्तों का संग करना चाहिए, तो हमारा भी शांति रहेगा। तो भक्तों की इच्छा नहीं, भौतिक इच्छा तो नहीं होना चाहिए, कम होना। हाँ, ये इच्छा होना चाहिए कि मुझे भगवान के धाम जाना है, उनकी सेवा करना है, और इसके लिए मैं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हूं, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आता है उसके लिए मैं तैयार हूं। गुरु की सेवा करना है, व्यवसात्मिका बुद्धि, एक एक गुरु नंदन, डिटरमाइंड वन पॉइंटेड अटेंशन, की बस गुरु की सेवा करना है। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक से काफी प्रभावित हुए थे, विश्वनाथ सुखदेव ठाकुर ने जब बताया था कि बस वन पॉइंटेड अटेंशन, गुरु की सेवा करना है। और उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ने कि मैंने ये श्लोक अपने जीवन में इस्तेमाल किया, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दिया कि विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो और लक्ष्मी प्राप्त हो तो पुस्तक प्रिंट करो, और मैंने ये दोनों आज्ञा का पालन किया और इस्कॉन खड़ा हो गया। प्रभुपाद जी विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में क्लास दिए, प्रचार किए और पुस्तक प्रिंट किए, और देखिए इतना बड़ा इस्कॉन खड़ा हो गया। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए तो व्यक्ति शांत रहता है, कि गुरु को प्रसन्न करना है। खुद का ही कोई मिशन बना लिया, खुद के ही मन में सोच लिया कि ऐसा करना है मुझे, भक्ति के जीवन में भी ऐसा करना है, और उसको पूरा करने के लिए मेहनत करे तो अशांत हो जाता है। लेकिन ऑथराइज इंस्ट्रक्शन होता है और जिम्मेदारी से पूरे करते हैं तो शांत रहते। तो महान साधु महात्मा के संग में हमारा हृदय भी शांत रहता है, भले ही हमारे में इंद्र तृप्ति की इच्छा हो, भौतिक इच्छा हो, लेकिन जब हम उनके शरण में रहते हैं तो हम शांत रहते हैं। जैसे समुद्र में बहुत सारी लहरें हैं, और अगर आप समुद्र में पानी में हो तो वो लहरें आपको बहुत तकलीफ देंगी, नीचे ऊपर उठाएगी पटकेगी, उठाएगी पटकेगी। और इसी समुद्र में एक बोट है,
और आप बोट में हो, बोट भी नीचे ऊपर होगी इस लहरे के कारण, लेकिन आप शांत रहेंगे, बोट के अंदर सुरक्षित रहेंगे, बोट संभाल लेगी आपको और खुद को भी। तो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं जो अपनी शरण में, अपने गोदी में हमको रखते हैं और समुद्र में तैरते हैं, तो समुद्र की लहरें उनको परेशान नहीं कर सकती, और हम उनके गोदी में तो हम परेशान नहीं होते हैं, हम उनके शरण में तो हम परेशान नहीं होते हैं, हम डायरेक्ट समुद्र में है तो परेशान हो जाएंगे, तैर नहीं पाएंगे। लेकिन हम साधु के संग में है समुद्र में, तो वो हमको संभाल लेंगे। ये भौतिक दुनिया एक समुद्र है, जैसे अगर एक खिला है, खिला नील आयरन का लोहे का खिला छोटा सा जो दीवार में हम मारते हैं फोटो लगाने के लिए, तो वो खिला पानी में डालो डूब जाए, वही खिला एक लकड़ी में डालो और लकड़ी को पानी में डालो वो खिला तैर जाएगा, डूबेगा नहीं। तो उसी तरह हम इस भौतिक संसार में डूब जाएंगे, काम क्रोध लोभ में डूब जाएंगे, भौतिक इच्छाओं में डूब जाएंगे, विषयी वस्तु में डूब जाएंगे, लेकिन शुद्ध भक्त के साथ जुड़ गए हम तो तैर जाएंगे, तो समुद्र पार कर लेंगे, तो डूबेंगे नहीं, क्योंकि वो हमें संभाल लेंगे। इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों के शरण में रहना चाहिए, भक्तों के आज्ञा से भक्ति करना चाहिए, साधु के सलाह से जीवन में निर्णय लेना चाहिए, तो हमारे से अपराध नहीं होगा, हमारे निर्णय हमारे भौतिक इच्छा के लिए नहीं होंगे, वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए होंगे। और श्री प्रभुपाद ने इतना अच्छा इस्कॉन संस्था बनाया इसकी कि हम भक्तों के शरण में भक्ति करें, भक्तों के संग में भक्ति करें, अकेला अकेला जूझने की जरूरत नहीं है। एक छोटी समस्या जब हम अकेला जूझते हैं तो बहुत बड़ी दिखती है, और वही समस्या हम एक साथ मिलकर जूझते हैं तो बहुत छोटी हो जाती है। दुख बांटने से आधा हो जाता है, सुख बांटने से डबल हो जाता है। अगर आपका बर्थडे पार्टी है, बलून्स है, केक है, कैंडल है, और रूम में अकेले हैं आप, तो खुशी होगा क्या? नहीं होगा। एक रूम में आपका मित्र है या एक कुत्ता या बिल्ली भी है ना, तो खुशी होगा, चलो कोई तो, कोई तो ताली बजाएगा। और दुखी है लेकिन कोई मित्र से बात करने को मिल गया तो हल्का हो जाता है। तो भक्तों का संग इसीलिए है, सुख बढ़ाने के लिए, दुख कम करने के लिए। तो अच्छा दोस्ती बनाना चाहिए भक्तों के साथ, भक्तों के समाज में शांति से रिश्ता निभाना चाहिए, अच्छे रिश्ते बनाना चाहिए, तो हम तैर जाएंगे इस भौतिक इस समुद्र में, भौतिक समुद्र में तैर जाएंगे संसार में। तो प्रचेता आ गए हैं जलाशय में और हमको इतना अच्छा सीख मिल रहा है एक जलाशय से, एक शांत जलाशय से। यही भागवतम है कि साधारण सी बात से इतना सीख, ये शिक्षा होना चाहिए हर स्कूल कॉलेज में, भागवतम सिखाना चाहिए बचपन से। ये लोग फिजिक्स केमिस्ट्री सिखाते हैं, पता नहीं क्या फायदा होता है। 25 साल वेस्ट किया हमने हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल सीखकर। तो ये असली ज्ञान है भागवतम का कि जलाशय से इतना कुछ सीखने को मिला, इतना प्रेरणा प्राप्त होता है। तो हमें ऐसा शिक्षा प्राप्त करना चाहिए जिससे हम शांत हो जाए, शिक्षा भी शांति से प्राप्त हो जाए, शांति से सीख ले। तो ये जीवन है, ये शांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर सहन करके मिल गई या माफी मांग के मिल गई हृदय में शांति, मतलब बहुत सस्ते में मिली, बहुत महंगी है शांति, इंडिया पाकिस्तान करोड़ों डॉलर खर्च किए अभी तक मिली नहीं उनको, अभी तक बॉर्डर अशांत है। तो हमको वो सस्ते में अगर मिल गई तो तुरंत ले लेना चाहिए, और वो है भगवान के शरण में जाना, रोज मंगल आरती करना, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा करना, क्लास सुनना, श्रृंगार आरती करना, 4 नियम पालन करना, प्रसाद पाना। ऐसा करने से शांति प्राप्त होती है भक्तों के सामने। तो ये मनुष्य जीवन में ये मौका मिला है तो इसका हमें पालन करना चाहिए।
ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। आपने बताया कैसे मतलब जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनको हृदय में शांत रहता है हर एक परिस्थिति में, वो उत्तेजित नहीं होते हैं। जस्ट एक प्रसंग उस संदर्भ में मन में आया था कि ध्रुव महाराज के केस में वो बाद में यक्षों से बहुत अधिक युद्ध करते हैं, वो प्रसंग है, शुद्ध भक्त होते हैं। तो उस प्रसंग को हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब भगवान उस चीज से हमें क्या सीख देना चाहते हैं? तो यक्ष ने जो ध्रुव महाराज के भाई को मारा, तो ध्रुव महाराज ने एज अ भाई और एज अ राजा क्या करना चाहिए जब ऐसा कुछ हो जाए, तो वो पहले वो किए, यक्षों के ऊपर आक्रमण करके जिसने उनके भाई को मारा था उनको सजा देने के लिए मारने के लिए गए। तो यक्ष लोग सब लोग मिल गए और ध्रुव महाराज पे आक्रमण किया, तो अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने भी युद्ध किया और बाद में युद्ध में यक्ष मारे गए और उसके बाद यक्षों ने अपना सिद्धि का उपयोग करके ध्रुव महाराज को कमजोर करने का प्रयत्न किया और परेशान करने का प्रयत्न किया, तो उत्तेजित होकर ध्रुव महाराज अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यक्षों को मारने लगे, तो बाद में कुबेर और मनु महाराज आए और उनको शांत किया कि भक्त को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसे हम सीखते हैं कि जब हम भौतिक दुनिया में कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति हमेशा आएगी जो हमको उत्तेजित करेगी, और जब ऐसा होगा तो तभी हम इसे बाहर निकल सकते हैं जब कोई वरिष्ठ हमको आकर समझाता है और हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे उत्तेजित जब होंगे हम और कोई शुभचिंतक हमारे पास आएगा, तो हमें यह तैयार होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को आकर बोले तो मुझे तुरंत अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो फिर अगर हम सोचेंगे कि मैं हमेशा सही हूँ, इस स्थिति में भी सही हूँ क्योंकि मैं शुद्ध हूँ या एडवांस हूँ, और हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेंगे या सलाह नहीं लेंगे, तो हम गलती कर बैठेंगे। तो कितना भी अच्छा भक्त हो, एक सीनियर उसके जीवन में होना चाहिए जो उसका शुभ चिंतक है, जिससे वो विश्वास रखता है और पहले से मन में बना लिया है कि इस व्यक्ति ने कुछ मुझे कहा तो मैं पालन करूँ, क्योंकि मैंने भलाई के लिए ही कहेगा। जैसे डॉक्टर आके बोलते हैं भाई ये खाओ ये मत खाओ, तो मान लेते हैं क्योंकि हमको मालूम है शुभ चिंतक है। तो जब तक हम भौतिक दुनिया में हैं ये संभव है, कितने भी शुद्ध प्लेटफॉर्म पे आ जाए हम, ये संभव है कि हमारा रजोगुण तमोगुण के संपर्क में आकर व्यवहार परिवर्तन हो जाए, ये संभव है कितना भी हो। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम छोटे गुणों निम्न गुणों के प्रभाव में नहीं आए। तो ध्रुव महाराज के साथ भी ऐसा हुआ तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा, भरत महाराज के साथ हुआ, इसलिए हम सीखते हैं कि अकेले नहीं रहना चाहिए, तो हिरण की तरफ आकर्षित हो गए। ध्रुव महाराज के साथ हुआ, सौभद्र मुनि के साथ हुआ और विश्वामित्र के साथ हुआ, तो इसमें हम सीखते हैं कि हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक भक्ति करना चाहिए। ठीक है, मुझे शुरुआत में आपने बोला कि जैसे आप अहमदनगर कॉलेज में पढ़ते थे तो टीचर ने आपको बोला कि पानी को टेस्ट नहीं होती, और अब बोले क्या फायदा है इसे,
भाई का, और बाद लास्ट में भी आपने बोला कि 25 साल वो स्कूल में गए, इसका भी कोई अच्छा फायदा है तो हमारा समय चला गया, मतलब इसका कोई फायदा नहीं हो गया। तो मेरा प्रश्न यह है मुझे कि हम देखते हैं भक्ति में आने के बाद भी जितने सारे भक्त हैं जो ज्यादा भौतिक पढ़ाई में आगे गए हैं वही बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भक्त है कि जो प्रचार नहीं कर रहे पर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं जो डोनेशन दे रहे हैं। भक्त की बात नहीं है, मैं बाहर की भी समाज में देखता हूँ कि बहुत सारे भौतिक पढ़ाई करके कोई पोस्ट या कोई पैसा या खेती कर रहा है वो डोनेशन दे रहा है, इसका उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये सारे लोगों ने भौतिक पढ़ाई करके ही ये सब प्राप्त किया है, तो फिर इसको आप कैसे समझे कि ये हमारा समय जाता है या हम गलत हमारा समय चला गया या इसका कुछ फायदा नहीं, कैसे समझे? अच्छा अभी देखिए, अगर मान लीजिए आपको मेरा क्लास पसंद आया और मैं 5 साल भागवत का पढ़ाई किया और ये क्लास दिया, इसके लिए आपको पसंद आया, तैयारी किया, तो 25 साल में स्कूल कॉलेज पढ़ा और 5 साल भागवत पढ़ा, 30 साल हो गए, बाद में ये क्लास दिया और आपको पसंद आया। सोचो मैं 30 साल भागवत पढ़ के ये क्लास देता था तो कैसा होता था? तो पहली बात, तो जो पढ़े लिखे भक्त लोग क्लास दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अच्छा सोचो अगर वो बचपन से सिर्फ भागवत पढ़ते थे और अभी प्रचार करते थे तो कैसा प्रचार होता था और कितने शुद्ध होते थे। तो डेफिनेटली हाईएस्ट है। और दूसरा बात है कि समाज में अभी ये एजुकेशन आ गया है, ये पहले नहीं था, समाज करोड़ों सालों से है, मॉडर्न एजुकेशन कुछ 100 साल 150 सालों से है, उसके पहले ये सब नहीं था एजुकेशन, उसके पहले एटम मॉलिक्यूल हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को मालूम नहीं था, और तभी भी लोग विद्वान थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, गुरु थे। व्यासदेव विद्वान थे क्या? नहीं, क्या लिखा उन्होंने? वो लोग पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे। अभी हमारा सिलेबस चेंज हो गया है, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, और वो भी बदल रहे हैं, हर 5 साल में सिलेबस बदल जाता है, कुछ नया पढ़ते हैं। तो पहले भी लोग विद्वान थे, उनका सब्जेक्ट मैटर अलग था, वो ज्योतिष शास्त्र पढ़ते थे, आयुर्वेद पढ़ते थे, धनुर्विद्या पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, और वो भी पैसे कमाते थे, वो भी डोनेशन देते थे, वो भी मंदिर बनाते थे, वो भी समाज चलाते थे। जगन्नाथपुरी का मंदिर किसने बनाया? एमबीए वाले ने या पीएचडी वाले ने? तिरुपति बालाजी का मंदिर किसने बनाया? बीकॉम वाले ने या बेकॉम वाले ने? राइट, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे बिल गेट्स 10वीं फेल है, जमशेदजी टाटा कॉलेज नहीं गए कभी, तो जिन बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं वो जिनकी नौकरी करते हैं वो लोग भी पढ़े लिखे नहीं है। कितने सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके ट्रस्टी हैं कभी कॉलेज गए ही नहीं। राइट, तो जो डिग्री कमाता है इंजीनियर वो किसके अधीन काम करता है? मैनेजर के अधीन, जो एमबीए होता है। और जो एमबीए होता है वो किसके अधीन काम करता है? बिजनेस एमडी के अधीन, जो किसी अमीर आदमी का बेटा होता है, कभी पढ़ाई नहीं किया स्कूल में या थोड़ा बहुत पढ़ाई किया। और वो लोग किसके अधीन काम करते हैं? आईएएस ऑफिसर के अधीन, जो बीए करता है, आर्ट्स करता है, इंजीनियरिंग नहीं करता, साइंस नहीं करता, बीकॉम भी नहीं करता, और बीए को हम थर्ड क्लास देखते हैं। और वो आईएएस ऑफिसर किसके अधीन काम करता है? पॉलिटिशियन के अधीन, जो अंगूठा छाप होता है। और वो पॉलिटिशियन साधु के सर पे चरणों में सर झुकाता है कि प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, कुर्सी बनी रहे। तो बताओ, अभी इंजीनियरिंग करना है, मैनेजमेंट करना है, बीए आर्ट्स करना है, बिजनेसमैन बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, या साधु बनना है? तो ये जो दूसरी बहुत सीरियस बात ये है कि ये जो ज्ञान पढ़ा रहे, नहीं ज्ञान नहीं है, ये नास्तिकवाद है। स्कूल कॉलेज में बच्चों को नास्तिक बना रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं है। हाँ, आज समाज में ऐसा स्थिति हो गया है कि इसका जरूरत हो गया है, समाज ही ऐसा बन गया है,
तो लोग पढ़ रहे हैं। भक्ति के लिए और जीवन के लिए जरूरी नहीं है। फैक्ट्री में काम करके जो भी चीज हम बनाते हैं वो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। हमारे शरीर के लिए जो खाना पानी दूध फल चाहिए वो पृथ्वी से आता है। शरीर के लिए और जीने के लिए जो भी सामान चाहिए वो पृथ्वी से आता है। शरीर और जीने के लिए जो भी सामान नहीं चाहिए वो फैक्ट्री से आता है। समाज ऐसा हो गया है, ये दुर्भाग्य है। चलो हम इस समाज को तुरंत बदल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट ये बात समझ तो सकते हैं कि ये ज्ञान की बात नहीं है। स्कूल कॉलेज ज्ञान की बात नहीं है, ये ऐसे ही सिखा रहे। असली ज्ञान तो ये है, और मौका मिले तो हमें बच्चों को असली ज्ञान देना चाहिए। ठीक है मुकुंद संजय प्रभु, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ओके वी विल एंड हियर। गिरिवरधारी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रवचन दिया प्रभु जी। जैसे शुरुआत में आपने जैसे बोला कि एक कठिन चीज को समझाने के लिए एक आसान उदाहरण दिया जाता है, उसी प्रकार से आपके प्रवचन ने अपने कई सारे ऐसे आसान उदाहरण बताए जिसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे शांत होना चाहिए, साधु के संग में रहेंगे तो हम शांत रहेंगे। तो बहुत बच्चे का जो उदाहरण शुरुआत में आपने बताया, मन कैसे हमारा एजिटेट होता है, बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी आपने बताई कि कैसे साधु का संग करना चाहिए तभी हम। और गोवर्धन पर्वत का आपने उदाहरण बताया, गोवर्धन इतना उसके ऊपर कठिन वर्षा हो रही थी फिर भी वो आनंदी था क्योंकि भगवान की उंगली का स्पर्श था उसको। उसी प्रकार से आपने बताया कि किस प्रकार से साधु के संपर्क में रहने से हम शांत रह सकते हैं। साधु शांत इसलिए रहता है क्योंकि वो अन्याभिलाषी का शून्य रहता है। तो बहुत सुंदर प्रवचन आपने इससे बताया, हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गणेश गोकुलेश्वर प्रभु की जय। प्रभु जी आज शाम को भी प्रवचन देने वाले हैं शाम तक, तो सभी भक्तों से विनती है कि आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। कल सुबह भी उनका भागवतम का प्रवचन रहेगा, तो आज शाम को और कल भी प्रभु जी का संग हमें प्राप्त होगा। तो आज का जो शाम का जो टॉपिक है, की टू प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति में प्रगति करने के क्या खूबी है, उसके बारे में प्रभु जी चर्चा करेंगे। और कल का जो विषय है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र रविष्ठा, तो ये कल का टॉपिक है, तो सभी लोग इसका लाभ उठाए। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।